What is up guys, कैसे हो आप लोग? So since the time I bought the Tiger 900, it's been like almost 2 months, मेरे दिमाग में question चल रहा था कि Panier setup कौन सा लेना चाहिए. मेरे पास अभी एक Rhinox 50 liter tail bag है, although उसकी capacity अच्छी है, but I wanted something more, क्योंकि मेरा कभी कभी सामान ज़्यादा हो जाता है, तो I wanted a Panier setup. अब Panier setups के साथ, one of the biggest problems that I face is, they add a lot of weight to the motorcycle. जब आप road touring कर रहे हो, तो I don't think that's going to be a lot of an issue, but when you are doing a lot of off roads and traveling in the mountains with tight U-turns, जहाँ पे bike stall होने के गिरने के काफी ज़्यादा chances होते हैं, कहाँ पे bike tip over होने के भी काफी ज़्यादा chances होते हैं, I wanted something which was lighter and would not add that metallic weight to the motorcycle. So some of the options that I was considering was, why not look at the GV saddle bags? Not the saddle bags. I think there is a model that comes जिसमें पैनियर रैक पे आपकी प्लेट लग जाती है और उस पर आप बैग माउंट करते हो. सिमिलरली देर वॉज एन ऑप्शन फ्रॉम क्रेगा एज वेल, बट वो दोनों ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट इन द रेंज ऑफ अबाउट 70,000 to 75,000 रुपीज फॉर द कम्प्लीट सेटअप. सो मेरे लिए वो टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया. पैनियर्स की बात करें तो वो भी काफ़ी महंगे आते हैं. अगर आप दो पैनियर्स लेते हो, पैनियर रैक इंक्लूडेड, अगर आप ऑफिशियल वो भी कंपनी का लेते हो, तो उसका कॉस्ट भी आपको अराउंड 70,000 to 75,000 पड़ जाता है. So because of these price points, I wanted to look at an option जो थोड़ा सा budget friendly हो. While I was doing this search, I got my eyes on the Dirtsack Core 30 setup that was recently launched. 2 महीने से उस पर मेरी नज़र थी एंड फाइनली मैंने उसे 20-25 दिन पहले ऑर्डर किया था. कुल्लू में डिलीवर होने में उसे टाइम लग गया बिकॉज ऑफ द फ्लड सिचुएशन एंड ऑल, बट फाइनली वो सेटअप आ चुका है एंड आपके सामने एक बार उसे अनबॉक्स करके दिखाते हैं. सो दिस इज़ द कम्प्लीट सेटअप. ये सॉफ्ट बैग्स हैं, इसके अंदर एक नायलन प्लेट भी आती है जो आपके पैनियर रैक पे लग जाती है एंड देन उन नायलन प्लेट्स के ऊपर जो आपके पैनियर रैक पे लगती हैं, ये बैग्स माउंट हो जाते हैं. ये सारी बोलने में चीज़ें लग रही हैं, एक बार इसको ओपन करते हैं और आपको करके दिखाते हैं कि कैसे सेटअप ये बैठता है. प्लास्टिक वाले पार्ट को एक बार हटा देते हैं. सो दिस इज़ द बैग. If you can see it, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लग रही है. अब्रेजन रेजिस्टेंस मटेरियल यूज़ किए हुए हैं इसमें, जिससे अगर बाइक आपकी गिरती भी है तो ये बैग फटे ना. नेक्स्ट अप, यू गेट दीज नायलन प्लेट्स. ये देख रहे हो आप प्लेट्स, ये नायलन प्लेट्स माउंटिंग सिस्टम ना पहले सिर्फ आता था बड़ी वाली ब्रांड्स में, लाइक जीवी, मॉस्को मोटो, जो ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर का सेटअप आता है, एंड करेगा अगेन वो 70,000 to 75,000 वाला सेटअप. डर्टसैक ने निकाला ये सेटअप अराउंड 18,000 to 19,000 का पड़ता है. सो दैट इज़ द रीज़न आई वेंट फॉर इट, के यार ठीक है 2 साल भी चल जाए तब भी 20,000 खर्च हो रहे हैं ना. वो तो 70,000 का है, वो कितना चलेगा, उसमें अगर कुछ हो गया तो दिल में जो दर्द होगा उसका क्या करूंगा. बाय द वे, बोथ दीज बैग्स आर 30 liters. जो आपके नॉर्मल पैनियर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, 35 liters के पैनियर होते हैं, यहाँ 30 liters के होते हैं. सो फ्रॉम अ कैपेसिटी स्टैंड पॉइंट भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फिट हो जाएंगी, ऐसा कैपेसिटी स्टैंड पॉइंट से कोई कॉम्प्रोमाइज लग नहीं रहा. देर आर सम इंटरनल बैग्स विच कैन बी यूज इन साइड द बैग टू कीप द स्टफ विच विल प्रोवाइड कंप्लीट 100% वाटर प्रूफिंग. अलॉन्ग विद दैट, दीज बैग्स ऑल्सो कम विद द रोल टॉप मैकेनिज्म विच फर्दर एड्स टू द वाटर प्रूफ केपेबिलिटी ऑफ द होल setup. Then you get these pugs which can be used to mount the nylon plate on the pannier frame. This is how it looks like. So 4 pugs on each pannier frame. I'll show you how that is done shortly. And finally, you get this, what do you call it? This sort of a thing helps you keep the shape of the bag intact, because this bag is not made of steel, it is obviously soft luggage, so you need this sort of a thing to go inside the bag and maintain its shape from all the sides. So let me try and do that and show you how it looks. So this is how the bag will look from the side. Behind the bag there is already a stiff sort of a material put. And I think enough of theoretical gyan, let's go on the bike and try and mount this thing. A few moments later. So this is how you mount this nylon plate with the help of these pucks. Simple setup hai. Allen key wagera se aaram se ho jayega. Is pe do main already laga chuka hu pucks. 4 pucks se ye nylon plate will get completely stable. सो अब हमारी नायलॉन प्लेट जो पैनियर रैक पे है वो माउंट हो चुकी है, काफ़ी स्टर्डी है. अगर नायलॉन प्लेट को पकड़ के भी बाइक हिलाई जाए तो
कोई प्ले नहीं है एज सच प्लेट में. दिस इज वेयर द बैग विल बी माउंटेड. ये जो बैग है इसमें अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी आप देखोगे इसमें एक हल्की सी शेप है, ऐसा लग रहा है कि बीच में कुछ भरा हुआ है. एक यहाँ पे एक फ्रेम है जो डल जाता है. नाउ विल क्लोज द बैग एंड विल माउंट दिस बैग यूजिंग दी स्ट्रैप्स. ये माउंटिंग होगी नॉर्मल जी बकल से और वेलक्रो मैकेनिज्म से जो काफ़ी स्टर्डी है. तो सबसे पहले हम बैग को बंद करते हैं. इस बैग में रोल टॉप वाला फीचर है. रोल करने के बाद इसके ये साइड में बकल्स हैं, इसको यहाँ से बंद किया एंड इस साइड से एंड राइट साइड से भी इसको बंद कर दिया. सो सबसे पहले माउंट करने के लिए आपको ये जो एक जी बकल वाला स्ट्रैप है इसको ऊपर वाले हुक से निकालना है प्लेट के एंड मेटल वाले पार्ट को भी इसके आर पार कर दो. जब आपने इसे यहाँ से निकाला इधर से आपका आएगा जी बकल, इसको इसके अंदर से पास थ्रू करना है एंड ये आपका एक तरफ से बैग सिक्योर. सिमिलरली दूसरे साइड से भी आपको ये स्ट्रैप को फ्रेम से निकालना है. मेटालिक पार्ट इसके आगे हो जाना चाहिए फ्रेम के आर पार एंड ये जी बकल इसके थ्रू इधर से भी निकाल दो. तो ये आपका दोनों साइड से बैग हो गया सिक्योर. अब ऊपर से सिक्योर करने के बाद अब नीचे वाली साइड पे भी यहाँ पे एक जी बकल है, इसमें से आप इस बकल को निकालो. ये एक वेलक्रो मैकेनिज्म है, ये पूरी स्ट्रैप बाहर आती है. ये वेलक्रो निकाला हमने, नीचे वाले पार्ट से इसे थ्रू एंड थ्रू पास किया और यहाँ पे आके लगा दिया. इस जी बकल को आप किसी भी बने हुए ऑप्शंस में से निकाल लो. यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस हैं जी बकल को एंकर करने के. इस तरह से ये बैग यहाँ सिक्योर हो गया. सो हमने दोनों साइड का अब बैग माउंट कर दिया है इन नायलॉन प्लेट्स पे एंड यहाँ पे देखो तो ये दोनों बैग्स ऐसे लग रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से माउंट हुए हैं. ये जो शेप देख रहे हो ये बैग की है विदाउट एनी स्टफ इनसाइड द बैग बिकॉज ऑफ दैट फ्रेम दैट फिट्स इन. यहाँ पे थोड़ी सी अभी स्पेसिंग है, इसको आप यहाँ से थोड़ा सा टाइट कर लोगे तो सामान के साथ तो ये ऐसे हो जाएगा बिल्कुल. सो गाइस दैट इज हाउ होल डर्ट सैक कोर 30 सिस्टम लुक्स लाइक ऑन अ ट्रायंफ टाइगर. आई थिंक द सिस्टम लुक्स डिसेंट एंड गिव्स इट द फील दैट यू नीड ऑन अ बिग एडवेंचर टूर. आई एम प्रीटी श्योर ये सिस्टम बाकी सारी बाइक्स पे भी इजिली माउंट हो जाएगा. सो आने वाले एक दो महीने में जो मैं राइड्स करूंगा उसके बाद आई थिंक आई विल बी एबल टू गिव यू अ डिसेंट रिव्यू ऑफ दिस लगेज माउंटिंग सिस्टम आफ्टर डूइंग सम प्रॉपर ऑफ रोडिंग एज वेल बिकॉज दैट वॉज द मेजर पर्पज. इतनी हैवी बाइक को आप और हैवी नहीं बनाना चाहते, इसलिए मैंने पैनियर सिस्टम नहीं लिया. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप यू लाइक इट एंड यू नो वॉट टू डू. स्टे कनेक्टेड, स्टे सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.